भीलवाड़ा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन भर नगर परिषद में नामांकन भरने के लिए प्रत्याशियों का जमावड़ा रहा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी खुलेआम उल्लंघन किया गया। नामांकन के लिए प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ नगर परिषद पहुंचे और अपना नामांकन दर्ज करवाया। नामांकन के अंतिम समय 3 बजे बाद भी नामांकन के लिए प्रत्याशी सीमा के अंदर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। भाजपा और कांग्रेस दोनों विद्रोह की शंका को भांपते अपने अपने उम्मीदवारों की सार्वजनिक करने के स्थान पर सीधे अंतिम समय में निर्वाचन अधिकारी को सौंपी। इसके बावजूद इन दोनों पार्टियों के बागियों ने अब निर्दलीय में ताल ठोक रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि सभी वार्डों में हमने कार्यकर्ता और समाजों का ध्यान रखा है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद व चुनाव प्रभारी नारायण पंचारिया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार नगर परिषद में 70 में से 62 सीटें भाजपा जीतकर बोर्ड बनाएगी। एक सर एक विनिंग शॉट भी लगा रहा हूँ। लविया धन्यवाद। ठीक है सर। तो यही तो कह रहे हैं नगर निकाय चुनाव में आज फॉर्म जमा करने का अंतिम दिन था और सभी जो पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको सिंबल दे दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली। इनसे जानना चाहते हैं कि अब जो प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं तो इसके बाद पार्टी की क्या रणनीति है। जी सर, आज शहरों की सरकार चुनने के लिए नामांकन का अंतिम दिवस है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा भीलवाड़ा नगर परिषद और 6 नगर पालिकाओं के लिए सिंबल प्रस्तुत कर दिए हैं और हमने कोशिश की है कि भीलवाड़ा नगर परिषद और 6 नगर पालिकाओं में, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं के चुनाव हैं और आम कार्यकर्ता अपेक्षा करता है जनप्रतिनिधि बनने की, इसलिए हमने सभी ने जिला नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व ने आदरणीय जो भी हमारे जिले के विधायक गण हैं और प्रदेश संगठन द्वारा नियुक्त नारायण जी पंचारिया हैं, जिला संगठन के प्रभारी आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब हैं, सभी के मार्गदर्शन में जिले के अंदर और शहर में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिले, सभी समाजों को प्रतिनिधित्व मिले, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा प्रयास किया है। और मैं सोचता हूं कि भीलवाड़ा जिले के अंदर 6 नगर पालिकाएं और 1 नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वासित है कि नगर परिषद सहित जो अन्य 6 निकाय है उनमें भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड बनेगा। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।